गुड आफ्टरनून एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th विच इज लिक्विड सॉल्यूशन। एज वी ऑल नो अबाउट लिक्विड, दैट इज अ स्टेट ऑफ मैटर on the other regard from solid and gas state. It's a state of matter जिसमें intermolecular forces थोड़े weak होते हैं in comparison of solid, और जिस भी shape में इसको हम रिलाई करेंगे ये वो शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, मास तो फिक्स्ड ही होगा, लेकिन जिस भी कंटेनर में इसको हम रखेंगे ये अपना शेप उस अकॉर्डिंग कर लेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज इससे हम जो कि अवेयर हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको देखा है। अब हम लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जिसके अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा, वो है आपका, जैसे कि हम बात करें गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको हेनरी का लॉ देखने को मिलेगा। हेनरीज लॉ है, उस पर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और आपको थ्योरी भी उसमें पहले देखनी होगी, फिर आप देखेंगे लिक्विड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हम डील करेंगे। उसमें आपको रॉल्स लॉ देखने को मिलेगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कैसे गो थ्रू हो रहा है। सॉलिड और लिक्विड के बारे में जब हम बात करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम जिनके बारे में बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के रिस्पेक्ट से भी, कंपटीशन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर के बारे में पहले हम बात करेंगे, चैप्टर ही स्टार्ट यहीं से हो रहा है आपका। जैसा कि हम जानते हैं वेपर क्या होता है, चाहे एवापोरेशन से चाहे बॉइलिंग से, जो भी आपका स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड का, गैसियस फेज में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया और इक्विलिब्रियम स्टेट में, अगर इस पे हम कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं भी लगा रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो अपर लेयर है, चूँकि ये वोलेटाइल लिक्विड है, तो यहाँ से एक इक्विलिब्रियम स्टेट आपका स्टेबलाइज होगा गैस और लिक्विड के बीच में। ये फ्लो कंटिन्यू रहेगा रेगुलर, अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी ये चीज़ें लगातार होती रहेंगी। अगर हम यहाँ पे देख लें, लिख सकते हैं कि क्लोज कंटेनर है, रिजिड है, रिजिड जानते होंगे फिजिक्स में आपने देखा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक
से भी इसमें कोई हमको मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है या कुछ कोई है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये लिक्विड वोलाटाइल है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इनके गैसियस पार्टिकल्स के बीच में और इनकी जो अपर लेयर है उसके बीच में क्या बोलते हैं बना रहेगा ये फ्लो। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो H2O है यानी कि जो हमारा लिक्विड फेज है इसके साथ एक इक्विलिब्रियम है, जो एवापोरेशन हो रहा है उसके थ्रू H2O वेपर फेज में जा रहा है और कंडेंसेशन के थ्रू दोबारा जब उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है तो वो दोबारा अपने लिक्विड स्टेट में आ रहा है। जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में आगे फिर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो जो कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसका अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट के आता है और ये कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है हमने यहाँ पे देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस चीज़ का जो आपका लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्जन हो रहा है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट के यहाँ पे आ रहा है जिसको कि हम रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ एवापोरेशन है ये कांस्टेंट हमने लिखा एवापोरेशन का, और जो हमारा कंसंट्रेशन है H2O का ये हमारी ये रिएक्शन है उसके लिए हमने ये रेट ऑफ एवापोरेशन लिखा। तो ये बन जाएगा इनटू PH2O। अगर हम प्रेशर के टर्म में भी लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो अगर हमसे मॉलिकुलर मास पूछा जा रहा है तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम आपका 1 ml है और मास 1 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वाटर का मास भी निकाल सकते हैं डेंसिटी, और हमको दिया हुआ है, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके हम इसका मास भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर फर्दर आपको फिर यहाँ से एलिमिनेट करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं क्वेश्चंस में आगे आपको बताऊँगा। मैं दोबारा एक बार आप क्या बोलते हैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ऐसा तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि मैं बस लिखता ही जा रहा हूँ और आपको क्लियर ना हो रहा हो। तो जैसा कि हमने बात करा कि लिक्विड क्या है, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, मास इसका फिक्स्ड होता है और इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं दो पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़े से, जैसे अगर इसको मैं एक बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, तो थोड़े से जो हैं इन कंपेरिजन विद सॉलिड थोड़े से वीक हैं, तो इसलिए थोड़े से ये ऐसे ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे। और फिर हमने देखा कि हम चैप्टर में क्या क्या हमारा ओवरव्यू है, तो लिक्विड सॉल्यूशन है और उसमें अगर हम गैस और लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हेनरी का लॉ हमको देखने को मिलता है। फिर लिक्विड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में अगर बात होगी तो फिर रॉल्स लॉ की आएगा, और जैसे सॉलिड लिक्विड की बात होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिर हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। जैसे कि अगर कोई क्लोज कंटेनर हम देखें जिसमें कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर को
रिगार्ड नहीं लेना है, हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, नहीं लेना है। तो एक जो अब यहाँ पे जैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, वो रिएक्शन है कि जैसे H2 हमारा लिक्विड फेज में है और एक 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 इक्विलिब्रियम बन रहा है, एवापोरेशन के थ्रू वो वेपर फेज में जा रहा है और कंडेंसेशन के थ्रू वो दोबारा लिक्विड फेज में आ रहा है। तो यहाँ से जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हमने यहाँ पे इस साइन को हटाया तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट लगाएंगे और फिर ये जो है एक हमारा रेट का जो रिएक्शन है इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि हमने ये जो रिएक्शन ली है वो H2O का है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिख दिया लिक्विड में। और फिर जो है रेट कॉन्सटेंट को भी हमने, रेट ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने लिखा कॉन्सटेंट इनटू, यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं प्रेशर के टर्म में भी लिख दिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, पहला कॉन्सेप्ट जिसको हम नोट करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट जिसको आपको फोकस्ड होकर के हाईलाइट करना है जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन पहला है टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड है, और तीसरा आप जो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एक रीजन लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर का जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो उसके इक्वल आ रहा है, तो इसलिए जो नेचर आएगा, नेचर से कैसे वो डिपेंड करेगा, वो नेचर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा ये भी हमको जान लेना बहुत जरूरी, ताकि क्वेश्चन में अगर कहीं कहता है कि ये चीज़ें अल्टर कर रही हैं या फिर ऐसा कुछ है तो आपको आप क्लियर रहें कि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये है वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, कैसे नेचर पे डिपेंड करेगा, उस पर हम आगे अभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको पॉइंट में दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कंटेनर, अमाउंट ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, और चौथा है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जैसा कि हमने भी यहाँ बात करा कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर, तो अब हम आगे इसी पे बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और कैसे इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉरी मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। तो जैसे कि हम अपनी रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, लिक्विड फेज है और लिक्विड से हमारा ये कन्वर्जन हो रहा है वेपर फेज में, तभी हम आगे वेपर जब बनेगा उसके बाद ही हम वेपर प्रेशर की बात कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा
इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि रिएक्शन में हीट दी जाएगी, और जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, जो इंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव होगी। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट देंगे और इसका क्या बोलते हैं, वेपर में कन्वर्जन होगा, फेज चेंज होगा। तो जैसा कि हमने देखा, हमने इस क्या बोलते हैं रिएक्शन की बात करी कि हमारा जो H2O है वो लिक्विड फेज से यहाँ पे एवापोरेशन हो रहा है, और उसके बाद देन कंडेंसेशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम आपका बना हुआ है, तो जैसे हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल हैं लिक्विड के। ध्यान से समझना होगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप समझ जाएंगे कि कैसे बेकिंग हो रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, तो फिर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो आपको क्लियर रहेगा। अब जैसे कि ये जो बॉन्ड है, मान लीजिए कि ये जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक हो रहा है, और इसके लिए हमको एनर्जी जैसे कि देनी होगी। तो इसीलिए हमने कहा कि ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमने एनर्जी दिया और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद ये दो पार्टिकल आपस में ऐसे ही सेपरेट हो गए। तो अब यहाँ पे एक हम पॉइंट नोट करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा? क्योंकि अब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन इन इंक्रीजिंग। ये बात आपको नोट करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो लिख रहा हूँ मैं, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि प्रोसेस इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक यानी कि हम हीट दे रहे हैं, तभी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तभी वो वेपर्स बन रहे हैं आपके। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अगर एक T1 टेम्परेचर है और रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बन रहा है, क्या कि के वन हम कह रहे हैं, और वैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेशर P1 बन रहा है, फिर T2 टेम्परेचर पे जो के इक्विलिब्रियम है, ये 2 इसको ले लिया हमने और ये P2 ले लिया। तो अब जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, जिसको जो जिससे हम टेम्परेचर का वेरिएशन समझेंगे वेपर प्रेशर में, वो रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है, वो डिफाइंड है, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वो है लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H, यानी कि इंथैल्पी की बात हम करेंगे, और 2.303 आर ये गैस कांस्टेंट है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये रिलेशन है जिससे कि टेम्परेचर का वेरिएशन डिफाइन होगा, कैसे वेपर प्रेशर में हो रहा है, जिसके अभी तक हम बात कर रहे थे। और आप देखेंगे कि फिर इस पे जो क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक और रिलेशन है, अगर प्रेशर के टर्म में बात करें तो उसको भी हम लिख सकते हैं। अभी हमने जैसे कि देखा K2 अपॉन K1 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का, उसके टर्म में लिखा था। एक हम एक इसको सिमिलरली प्रेशर के टर्म में भी लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एल इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर यही पूछा जाएगा अगर दोनों टेम्परेचर दिए होंगे तो। 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस T2, इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो, इससे आप अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो। जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हम इसको देखते हैं। जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा, उस रिलेशन पर डायरेक्ट कैसे होगा ये। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड का कहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्योर, जो कि एक्स कोई लिक्विड है, इज 2 ATM, 2 ATM है,
कितने 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे कह कह रहा है लगभग। और हमको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर लिक्विड का 327 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि आपकी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है लिक्विड और लिक्विड की, वो +20 जूल दी हुई है। तो जैसे कि हमारे पास T1 क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 300 केल्विन। आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 273 केल्विन में हमने 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, और हमने 27 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया तो 300 केल्विन आ गया। और T2 आपका दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस, जो कि 600 केल्विन हो जाएगा। P1 आपका दिया हुआ है 180 M, और P2 ही हमको फाइंड करना है। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा, जैसे हमने कि कांस्टेंट के टर्म में पढ़ा था, फिर हमने फर्दर प्रेशर के टर्म में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अगर हमको याद तो करना ही होगा आपको, क्योंकि इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं, और आपके बोर्ड में भी अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो डायरेक्ट इस पे ही बनेंगे। तो जो रिलेशन है आपका, log P2/P1 इज इक्वल टू ∆H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 log P2। और P1 की वैल्यू 280 M दी हुई है, 20 जूल ∆H ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, और 2.303 इंटू आर की वैल्यू हमको पता है 8.314 जूल होती है। क्योंकि ये जूल दिया हुआ है तो हमने इसको जूल के टर्म में लिया है। अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आपको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पता है, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद 1/300 माइनस 1/600, ये जो हमको T1 T2 दिए हुए हैं, यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे, और 20 अपॉन ये 19.147 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 1/600 हो जाएगा। और log base 10 है, base 10 होता है नॉर्मली, हम लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड ही होता है। log P2/2 base 10 यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर से यहाँ पे अगर हम इस साइड भी अगर हम लॉग ले रहे हैं P2/2, तो ये आपका log 10 1/600 हो जाएगा। और फिर ये P2 log 10 से 10 हम कैंसिल करेंगे, और ये P2/2/600 यानी कि 0.033 ATM आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बोलते हैं, जो प्रेशर हमको फाइंड करना है P2, वो एलिमिनेट होकर के आ गया, वैल्यू ATM में आई है, क्योंकि ATM में हमने P1 को पुट किया था। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में वैल्यू ATM में दी हुई है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनका ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, या फिर अगर हम हमारे पास जूल या फिर किलो जूल में दिया हुआ है, तो फिर उस हिसाब से होगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, कैसे नेचर होता है लिक्विड का, कैसे वो इफेक्ट करेगा। तो तब तक के लिए आप जो ये कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज करिए, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप आपसे मिलेंगे। इस क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे। हम और भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड लेकर के आएंगे अपनी वीडियो में, और टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, लेक्चर्स से जुड़े रहेंगे, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग से स्किप कर जाते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी दोबारा इनको बैकअप करने में। और अगला टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड होगा, और उसके बाद फिर हम आगे आगे जो लॉज हैं हमारे लॉस्ट पे, और फिर अल्टीमेटली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू, तब तक के लिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।